राहुल, जी, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये भारत देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन होगा, 22 जनवरी 2024 को, जिसमें भारत वर्ष में जो सालों की मेहनत और सालों का जो एक सपना था कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे वो आज नरेंद्र मोदी जी हों, सबका सपना एक ही था। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत देश के लोगों का सपना यही था कि भारत के अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का एक भव्य मंदिर बने, और जो कि सपना पूरा होने जा रहा है, और 22 जनवरी 2024 को ये सपना साकार होने वाला है कि ये दिवाली की तरह ही मनाया जाने वाला त्यौहार होगा 22 जनवरी, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोगों की मेहनत थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक, या बात करें भारत देश के अन्य जो आम वासी हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा दुआएं, उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं थी भारत के अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का जो जन्म स्थान है उस पर एक भव्य मंदिर बने और वो सपना साकार हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ, गर्व की बात है, और मैं खुद इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ एक भारतवासी होने के नाते। ये बहुत ही खुशकिस्मती वाली बात है कि 2024 में हम भारत में अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का जन्म स्थान का एक भव्य मंदिर देखेंगे, और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया से लोग आएंगे इस मंदिर को देखने के लिए, और ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हजारों लाखों की तादाद में 2024 में इस भव्य मंदिर को देखने के लिए, श्री राम प्रभु के दर्शन करने के लिए लोग जाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, कैमरामैन सूरज के साथ रवि वर्मा ने।